नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर डीके वर्मा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का जो केस प्रेजेंट करने जा रहा हूं वो है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का। एक बच्चे के अंदर में क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की जो रिकरेंट टेंडेंसी थी उसका ट्रीटमेंट किया गया था, जिसका फॉलोअप इस प्रेजेंटेशन के बाद में इसी वीडियो में संलग्न है। तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में वैसे तो आप सभी लोगों को मालूम ही है कि टॉन्सिल्स जो हैं वो गले में यहाँ स्थित होते हैं और इसी टॉन्सिल के इन्फ्लेमेशन के कारण से गले में दर्द होना, फीवर, स्वेलिंग और निगलने में परेशानी आना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अगर ये तकलीफ एक बार हो रही है तो हम एक बार मेडिसिन देकर के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तकलीफ बार बार हो रही है तो ये जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जिसको हम कहते हैं ये बहुत परेशान करती है। अगर ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम तक अगर चलती है तो पेरी टॉन्सिलर एप्सिस होने की संभावना रहती है, जहाँ पे टॉन्सिल्स के आसपास का जो एरिया है उसके अंदर में पस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक बार हो गया, ठीक है, हमने मेडिसिन ले ली, कोई भी मेडिसिन ले ली एंड वो सिचुएशन अपने कंट्रोल में आ गई। लेकिन जब बार बार होती है तो वो किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती है। अगर ये तकलीफ बच्चे को हो रही है तो पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानी और चिंता का विषय बन जाता है। हम जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें एक ही चीज़ बोली जाती है कि बच्चे की इम्यूनिटी कम है और इम्यूनिटी को बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है, हमें सिर्फ खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा और जब तकलीफ हो उस समय अपने को या तो एंटीबायोटिक्स या इन दी एंड लास्ट में टॉन्सिलेक्टमी या सर्जिकली टॉन्सिल्स को रिमूव करने की सलाह मिलती है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे की लोकल इम्यूनिटी वीक क्यों है? ये बार बार जो टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि शरीर में दो भाग होते हैं, एक तो मन और एक शरीर। जहां जहां अपने मन में परेशानियां उलझने होती हैं वहां शरीर अफेक्ट होता है। और अगर कोई तकलीफ या कोई परेशानी जन्म से अपने को है या थोड़े टाइम बाद से अगर होती है जन्म के, तो कहीं ना कहीं जब वो बच्चा माँ के पेट में रहा है वहां मदर की प्रेगनेंसी का जो तनाव था उसका इम्पैक्ट बच्चे के सिस्टम पे कहीं ना कहीं पड़ता है। तो हम लोग एज ए होम्योपैथ हम लोग इस प्रेगनेंसी हिस्ट्री की डिटेल को पकड़ करके बच्चों के अंदर में जब रिकरेंट टेंडेंसीज होती है टॉन्सिलाइटिस की जन्म से, तब इसी हिस्ट्री को पकड़ के समझ करके बच्चे के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, उसका नेचर बिहेवियर किस तरह का है, प्लस उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सभी चीजें जोड़ करके हम लोग मेडिसिन देते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है इन पैथोलॉजी, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पीछे माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम समझ करके फिर मेडिसिन देते हैं। तो जर्मन न्यू मेडिसिन एक सिस्टम है जिसके अंदर में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट की जो माइंड क्या है पैथोलॉजी के पीछे, वो डिटेल्ड स्टडी करके दिया हुआ है। प्लस आप लुईस हे के बारे में अगर देखें तो उनकी जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसके अंदर में बहुत अच्छी तरह से ये समझाया गया है कि अपने थॉट प्रोसेसेस जो हैं
वो किस तरह से अपने शरीर को अफेक्ट करते हैं। तो ये आज की लेटेस्ट रिसर्च है जो ये बताती है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ये हमारे शरीर को किस तरह से डिस्टर्ब करता है या हमारे शरीर में बीमारी किस तरह से आती है। तो अब इस केस के अंदर में जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन इस बच्चे को मिला है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का, वहां पर मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री के अंदर में जा करके मदर के मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता था वो ढूंढ करके बच्चे को मेडिसिन दी गई। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप फॉलोअप देखेंगे इस बच्चे का, तो मदर पहले ये बोलती है कि सर ये बच्चे के अंदर में पहले बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी, कि जैसे वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, दिन भर गुस्सा करता रहता था, कहना नहीं मानता था, लेकिन अब ये गुड बॉय बन गया है, अब ये पढ़ने लगा है, इसका फोकस पढ़ाई की तरफ आ गया है, प्लस ये अब जिद नहीं करता है, चिड़चिड़ा नहीं है पहले की तरह। हाँ सर ठीक है, उसका जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम थी वो अब नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मदर ने इतना मेजर डेविएशन जो है बच्चे की नेचर में ये नोटिस किया है। उनके लिए टॉन्सिल की प्रॉब्लम इज सेकेंडरी, बच्चे का बिहेवियर तक चेंज हो गया। तो ये होम्योपैथी के द्वारा जो चमत्कार है सिर्फ होम्योपैथी के द्वारा ही हो सकता है। व्यक्ति का जो परसेप्शन है, व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसको भी होम्योपैथी के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है अगर मेडिसिन को सही डायरेक्शन में और सही डेप्थ में व्यक्ति को समझ करके दिया जाए। तो ये फॉलोअप आपके सामने है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। उसके पहले उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। पहले कंप्लेंट्स बताइए उसको क्या था। पहले तो ये थी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, बात नहीं मानता था, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था, काफी कंप्लेंट्स थी उसकी। लेकिन मेडिसिन से उसको एक तो बात मानना, गुस्सा कम करना काफी, मतलब अभी अभी लास्ट सिक्स मंथ से तो काफी उसमें इम्प्रूवमेंट देखी हूँ हर चीज में। मेन प्रॉब्लम क्या थी, गले की थी ना, ये टॉन्सिल्स वगैरह की प्रॉब्लम तो बिल्कुल अभी है ही नहीं है। अभी बारिश के मौसम में भी मुझे लगा, पर अभी नहीं थी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बीमार नहीं पड़ा, बीमार भी नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ क्या चेंज दिखा उसमें? चेंज तो सर उसकी एक्टिविटी में वही बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है, जो पहले जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी उसको लेके, वो अभी मुझे नहीं नजर आ रही कहीं पे भी। सेल्फ स्टडी वगैरह खुद कर रहा है अभी, काफी कुछ फर्क है उसको, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ तो उसको मैंने सेल्फ कर रखा है, तो वो बिल्कुल सेल्फ हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है।